एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराइव ऑनलाइन क्लासेस। हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके पूरे किंगडम्स, कौन से साइंटिस्ट ने किस किंगडम पे काम किया है, वो सब देखेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, HPTET, NEET, KVC या कोई एंट्रेंस एग्जाम है आपके, जैसे BSc के लिए, MSc के लिए एक्सेट्रा, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो हम इनको कर ही रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सभी पूरे हमारे बायोस्फीयर के जो इंडिविजुअल हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में, कैटेगरीज में रख देते हैं, ताकि उनको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, उनके करेक्टर स्टडी करना, उन पर कोई रिसर्च करना साइंटिस्ट के लिए ईजी हो जाए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। NCERT में जो जो चीज़ें देके रखी हैं उसको, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, जो कि टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, फोर किंगडम सिस्टम एंड एट द लास्ट फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम आज प्रेजेंट डे पे हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बता देती हूँ जो टू किंगडम सिस्टम है, ठीक है। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आपका कार्ल लिनियस ने दिया है, ठीक है। आप लिख लीजिए ये क्वेश्चन, कार्ल लिनियस ने दिया है। और इसने क्या किया, जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, पूरे बायोस्फीयर को, उसको कार्ल लिनियस ने टू किंगडम में बांट दिया। वन इज़ प्लांट किंगडम, अनदर इज़ एनिमल किंगडम, ठीक है। तो ये था टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा फिर थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो जो है साइंटिस्ट हेकुल ने, हेकुल इन्होंने डिस्कवर किया इसको, इन्होंने इसके बारे में दिया इन 1866। इन्होंने थ्री किंगडम के बारे में बोला कि पूरे जो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म है उनको हम थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। और वो तीन जो किंगडम इन्होंने बताए वो थे, फर्स्ट इज़ प्रोटिस्टा, सेकेंड इज़ एल्गी एंड थर्ड इज़ फंजाई। इन तीन किंगडम में इन्होंने पूरे बायोस्फीयर के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया। ये जो इसने क्लासिफिकेशन की थी हेकल ने, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द एब्सेंस ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। टिश्यू की डिफरेंशिएशन के बेस पे इसने इसको क्लासीफाई किया। लाइन इंपॉर्टेंट है कि हेकल ने किस बेसिस पे थ्री किंगडम दिए, ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम कौन कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। वन इज मोनेरा प्रोटिस्टा, मैं यहाँ लिख देती हूँ मोनेरा, फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड मेटाफाइटा, मेटाफाइटा एंड फोर्थ वन इज मेटाजोआ, मेटाजोआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा एंड मेटाजोआ। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये तो हम फाइव किंगडम सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ठीक है। जो फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो हर्बर्ट कोपलैंड ने इसको दिया था, हर्बर्ट कोपलैंड लिख लेंगे। और मोनेरा में उसने बोला कि मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे प्रोकैरियोट्स होंगे। तो मोनेरा में कोपलैंड ने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स। और प्रोटिस्टा में, जो सेकंड किंगडम उसका था, प्रोटिस्टा में उसने क्या, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा बट विदाउट टिश्यू डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना है। एंड मेटाफाइटा में उसने क्या किया, मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स को रख दिया, मेटाफाइटा, ठीक है। मेटाफाइटा में क्या आएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स मेटाफाइटा में। और फोर्थ किंगडम जो था उसमें उसने सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया। लेकिन अगर आप ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम एंड फोर, इनको एनालाइज करेंगे, तो जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, प्रॉपर उनकी क्लासिफिकेशन नहीं की गई थी। इसलिए फिर हमारे पास लास्ट में जो क्लासिफिकेशन आई, दैट इज़ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम फॉलो करते हैं, हम क्या पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। और ये किसने दिया है आपको पता है, दैट इज़ गिवन बाय आर एच विटकर ने, साइंटिस्ट ने काम किया और फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया इन 1969। और उसने कौन कौन से फाइव किंगडम बनाए, वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। आपकी प्लस वन की NCERT में, इवन नाइन्थ में भी आपने इनके बारे में पढ़ रखा है कि जो प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है, इनके कितने वास्ट क्लासिफिकेशन आगे है। लेकिन जो फाइव किंगडम बनाए गए उनका बेस क्या था, किस बेसिस पे वो थे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मेन करेक्टरिस्टिक लिए गए थे वो इस तरीके के हैं कि इनका सेल टाइप क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें क्या है। सेल टाइप की बात करें
तो सिर्फ मुनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम हैं वो सारे आप देख रहे हैं यूकैरियोट्स हैं। तो आपको याद रखना है कि मुनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे उसमें, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल का क्वेश्चन आपको जो आता है वो मैं बता रही हूँ, दैट इज कि जो मुनेरा है उसमें पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की उनकी सेल वॉल बनी होती है, और यहाँ से मुनेरा में, क्योंकि जो मुनेरा किंगडम है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो वो आप लिख लीजिए म्यूरिन या फिर उसको पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं, राइट, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। इसके बाद आप देखेंगे कि सेल वॉल ऑफ, यहाँ से ये क्वेश्चन भी, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, इंपॉर्टेंट, और प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी होती है, और एनिमल सेल में आपको पता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब जहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वहीं पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी ना, तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें न्यूक्लियस कंप्लीटली एब्सेंट होता है, सो देर इज नो प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वहाँ पे क्या काम। इसके बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमिलिया में न्यूक्लियस एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है, ये मतलब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, सेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं सारे के सारे मुनेरा जो हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, याद रखना है आपने। प्रोटिस्टा ये भी क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होते हैं, इसीलिए उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोलते हैं। इसके बाद फंजाई मल्टीसेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू इनमें प्रेजेंट होता है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये हम प्लांट में देखते हैं, ऑर्गन्स और टिश्यू दोनों होते हैं, और हम एनिमल्स में देखते ही हैं, लाइक ह्यूमन अपना ही एग्जांपल ले लो, हमारे में प्रॉपर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज भी हैं, ठीक है। अब इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका क्या है, तो मुनेरा में आप देखेंगे वैरायटी ऑफ जो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको देखने को मिलती है, वो जो है फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है, वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, स्पोरोफिटिक हो सकते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई सभी किंगडम्स को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑटोट्रॉफिक होते हैं यूकैरियोट्स कुछ एक, और कुछ हिट्रो होते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो है जैसे यूग्लिना इसमें आ जाता है, फंजाई हिट्रोट्रॉपिक होती है, प्योरली हिट्रोट्रॉपिक होती है, ये ऑटोट्रॉपिक होती है, आपको पता है प्लांट मेक्स देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमेलिया हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करना है। इसके बाद अब वन बाय वन लेते हैं, ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले मुनेरा किंगडम को पढ़ेंगे, किंगडम मुनेरा। तो किंगडम मुनेरा क्या है, आपको मैंने अभी बताया, टेबल में हमने देखा, क्या देखा, कि जो मुनेरा किंगडम है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक हैं प्लस सेलुलर लेवल है, मतलब कि वो क्या है, यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर, तो हम इनको बोल सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, राइट। अगर प्रोकैरियोट्स हैं, आपको सिंपल फीचर्स लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्रोकैरियोट्स के जितने फीचर्स हैं वो मुनेरा के फीचर्स भी होंगे। कैसे, जैसे ये क्या है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, नोज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द मुनेरा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा, सारे के सारे बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, मुनेरा किंगडम में। अब जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत सारी हैबिटेट में रहते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, दे ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इवन हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईकोलाई, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल, सॉइल में देख लो आप, वाटर बॉडीज में देख लो, या फिर एयर में देख लो, हर जगह जो है वो थाउजेंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्टली बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होते हैं। ये जो है बहुत सारी वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में रह सकते हैं, हैबिटेट्स मतलब जहाँ वो प्रेजेंट है, जहाँ पे अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करेंगे, ठीक है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में भी हो सकते हैं, डेजर्ट में भी हो सकते हैं, स्नो में भी हो सकते हैं, डीप ओशन में भी हो सकते हैं, ठीक है, हर जगह वो सर्वाइव कर सकते हैं, कौन, बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर मैं बैक्टीरिया के शेप की बात करूँ, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखेंगे इसको आप कि बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत सारी शेप्स को शो करते हैं, लाइक कोकाई बैक्टीरिया, फर्स्ट इज कोकाई बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल कोकस बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। सेकेंड है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जिनको बेसिलाई बोलते हैं, ठीक है, और बेसिलस बोल देंगे जब सिंगुलर होगा, ठीक है, इनमें स्पोर्स होते हैं एक साइड पे जो कि रॉड शेप्ड हैं। थर्ड इज स्पायरिला, ठीक है, स्पायरल की तरह आपको दिख रहे हैं, और लास्ट में इसमें फ्लैजेलम की प्रेजेंस होती है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। कॉमा शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको विब्रियो बोलते हैं, आपको कॉमा शेप लग रहा है ना, ये तो ये क्या है, विब्रियो बैक्टीरिया है।
इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं और आपको बताऊं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। क्लासिफिकेशन एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव, दूसरा है ग्राम नेगेटिव। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टिन ग्राम। उन्होंने इन 1884 में क्या किया कि स्टेनिंग की बैक्टीरिया को स्टेन किया टू स्टडी बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने देखा कुछ जो बैक्टीरिया थे वो स्टेन को गेन कर लेते थे, स्टेन शो होता था, वो डार्क पर्पल कलर के दिखते थे, और कुछ जो है स्टेन नहीं गेन कर पाते थे, लाइट पिंक कलर के दिख रहे थे। तो जो स्टेन गेन कर रहे थे उन्होंने सिंपली उनको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो स्टेन नहीं गेन कर रहे थे उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन्होंने सिंपली बोल दिया, राइट। तो ये जनरल सी क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, अगर आपको अब मोनेरा यहाँ पे आगे क्या है, आप जो मोनेरा किंगडम है, ठीक है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को आगे दो कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, वन इज़ आर की बैक्टीरिया, सेकंड इज़ यू बैक्टीरिया, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन है इसकी, दो ग्रुप्स हैं इसके, आपको याद रखना है। तो पहले आर की बैक्टीरिया के फीचर्स देख लेते हैं। आर की बैक्टीरिया जो है इनमें वो बैक्टीरिया आते हैं जो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि वो बैक्टीरिया जो बहुत हार्श, ऐसी कंडीशन जो मतलब मुश्किल है जहाँ उनके लिए जीना, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं। जैसे बहुत ही सॉल्टी कंडीशन होगी, हार्श कंडीशन, सॉल्टी कंडीशन, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहेंगे उनको हम बोलते हैं हेलो फाइल्स, या जो कंडीशन होगी हेलो फाइट्स भी इनको बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेलाइन कंडीशन में रहते हैं उनको हेलो फाइट्स बोलते हैं। बैक्टीरिया के लिए, आर्की बैक्टीरिया के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं हेलो फाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं उनको थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। मार्शी कंडीशंस में जो रहते हैं उनको मेथेनोजन बोलते हैं। मेथेनोजन जो है वो जनरली इन द गट ऑफ कैटल्स, जो आपके रूडिमेंट एनिमल्स होते हैं, घास चारा खाने वाले जो पशु होते हैं उनके गट रीजन में, स्टमक में, रूमेन में जो है प्रेजेंट होते हैं मेथेनोजन। इसीलिए जो डंक होता है, गोबर होता है इनका, उसमें जो मिथेन गैस जो है वो प्रेजेंट होती है इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से। आर की बैक्टीरिया जो है डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से, कुछ अलग जगह पर रहने की वजह से, एक्सट्रीम हार्शी कंडीशन में रहने की वजह से, और कुछ एक फीचर्स की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मेथेनोजन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। एक और चीज़ बैक्टीरिया के रिगार्डिंग मैं और आपको एक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन बता देती हूँ। जनरल आजकल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर बैक्टीरिया, एंटोन वॉन लुइनहॉक इन 1676। इन्होंने कहाँ पे बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, इन पॉन्ड वाटर, ठीक है, लिख लेना ये। एंटोन वॉन लुइनहॉक ने डिस्कवर किया है बैक्टीरिया को इन दी पॉन्ड वाटर, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया है, क्रिस्टिन ग्राम साइंटिस्ट ने 1884 में दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने और आपको बताया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो है वो दैट इज मेड अप ऑफ, मैंने आपको बताया क्या, म्यूरिन से वो बना होता है। म्यूरिन मैंने आपको बताया, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोलते हैं। एक और चीज़, म्यूको कॉम्प्लेक्स भी इसी को बोलते हैं, म्यूरिन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया स्टूडेंट, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को हम और क्या टर्म देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी। ये जो है ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, कुछ इसमें हिटरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी के क्या आते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि हमने आर की बैक्टीरिया में देखा, सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है इसका साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, मोटाई होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजेलम होता है, जिसको हम फ्लैजेला भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है, वो कॉलोनीज में रह सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। ये देखो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये एक, ठीक है, ये नॉस्टॉक है, एग्जाम्पल नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट की तरह है। क्वेश्चन यहाँ से ये आ रखा है, देखो हिट्रोसिस्ट वाला, कि जो साइनोबैक्टीरिया है, या फिर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यू बैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, दैट इज हिट्रोसिस्ट, ठीक है। ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। कुछ जो है इस ग्रुप में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैंने बोला आपको, जो कि क्या करेंगे, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जो क्या करेंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाएंगे और अमोनिया में उनको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब एक और, ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में भी हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन चारों की जो है रिसाइक्लिंग में ये हेल्प करते हैं। और मेनली नाइट्रोजन तो आपने याद ही रखना है, कि नाइट्रोजन का तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया में। इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे नॉस्टॉक इसका कॉमन एग्जाम्पल है। इसके बाद इसमें जो हिटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आते हैं ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ये डीकम्पोजर होते हैं।
हीटरोट्रॉपिक है मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे, जैसे कुछ जो है लीव्स हैं या कोई ऑर्गेनिज्म डेड हो गया, कोई डिकेंग और चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, उनके ऊपर जो है वो सर्वाइव करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनकी सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और वहीं से अपना जो है फूड गेन करते हैं. ओके, इन्हीं में और क्या बैक्टीरिया, इनके कॉमन एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड जो कि मिल्क से बनता है, तो आपको बताइए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ पे हेल्प करता है उसको. वो क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और मिल्क को कॉगुलेट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. जब मिल्क से कर्ड कन्वर्ट होता है, मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ बताती हूँ, तो विटामिन B12 का लेवल हाई हो जाता है कर्ड में, हाई होगा एज़ कम्पेयर टू मिल्क से. ठीक है, एंटीबायोटिक की प्रोडक्शन में भी जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेग्यूम प्लांट्स में. इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो है एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में बताया है कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे डिवाइड करता है, सिंपली डिवाइड करता है फ्यूजन से या फिर इसमें कॉन्जुगेशन होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि ऐसे ही जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा, उसमें पिलाई प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, वो वहाँ से जो है वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्ट हो जाता है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज करते हैं दो बैक्टीरियाज और फिर वो अलग हो जाते हैं. कुछ इस तरीके से भी इनका रिप्रोडक्शन होता है और फ्यूजन तो कॉमन है ही है बैक्टीरिया में. ठीक है, जो बैक्टीरिया है आपको पता है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक योर कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, ठीक है, सिट्रेट कैंकर एटसेट्रा. ये प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं एज वेल एज एनिमल में भी डिजीजेस कॉज करते हैं. ओके, तो बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, आपको ये याद रखना है. ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो साइनोबैक्टीरिया है वो कई बार एल्गल ब्लूम भी जो है वो बनाते हैं जब वो सी में होते हैं. ठीक है, कुछ हद तक, वैसे हम एल्गी में इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है एल्गी ब्लूम, क्योंकि एल्गी के मेंबर्स ज़्यादा इसको बनाते हैं. ओके, सो माइकोप्लाज्मा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा जो क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है. ओके, याद रखना है आपको क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या कर सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, ओके, जो माइकोप्लाज्मा है ये पैथोजेनिक होता है एनिमल एंड प्लांट्स के लिए. ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा. इसको हम माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या बोलते हैं, PPLO, राइट. ओके, तो मोनेरा किंगडम यहाँ तक हो गया. अब प्रोटिस्टा देखते हैं, चलिए जल्दी से प्रोटिस्टा भी देख लेते हैं. प्रोटिस्टा, अब आपको टेबल जो सबसे पहले पढ़ा उसको जरा ध्यान दीजिए उस पर. प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर और प्लस यूकैरियोट था. तो यूकैरियोटिक है तो यूकैरियोटिक सेल के सारे फीचर्स इसमें होंगे. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होगा, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा. ठीक है, वो सारी चीज़ें जो यूकैरियोटिक सेल में होती हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी. ठीक है, ये चीज़ें होगी. अब लेकिन ये क्या है, यूनिसेलुलर है. अब इसमें ये जो इसके आगे क्लासिफिकेशन है हम वन बाय वन आगे देखेंगे. पहले तो इसमें मेन यही चीज़ है कि प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली, सेक्चुअली बोथ से ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है फ्यूजन से या जाइगोट फॉर्मेशन. अगर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जाइगोट फॉर्मेशन इसमें होता है. ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या है, प्राइमरीली ये क्या है, एक्वाटिक है. एक चीज़ आप याद रखना है कि ये क्या है, एक्वाटिक है. चलिए, इसके बाद इसकी अगर जो क्लासिफिकेशन है, मतलब जैसे हमने मोनेरा में दो ग्रुप पढ़े, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, वैसे इसमें जो है फाइव ग्रुप्स हैं. फाइव ग्रुप्स में इसको आगे डिवाइड कर दिया गया है, वन बाय वन हम देखेंगे और इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे. फर्स्ट इज क्राइसोफाइट. क्राइसोफाइट जो ग्रुप है, इट इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन एनवायरमेंट. जो डायटम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये जो डाई आइटम्स हैं इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ स्ट्रीम बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे लाइन लिख रखी है आपके NCERT में, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि क्या है, ये डाई आइटम्स जो है वो फॉर्मेशन भी करते हैं. क्या डायटमस अर्थ की, क्या होता है जब डाई आइटम्स जो हैं वो अपनी बॉडीज़ का कुछ रेजिड्यूअल पार्ट जो है लेफ्ट कर देते हैं, और लार्ज अमाउंट में जब उनके सेल वॉल डिपोजिशन उनके हैबिटेट पे होता रहता है, मतलब उनकी जो हैबिटेट है वहाँ पे उनके सेल वॉल की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा जब होती रहेगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा जो है डायटमस सेल वॉल का मास बन जाएगा, उसी को हम डायटमस अर्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, डायटमस अर्थ बोलते हैं. नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजेलेट्स. इसमें क्या है, ये क्या है, मोस्टली मेराइन होते हैं, मेराइन हैबिटेट में रहते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है इस पैराग्राफ में, ये जो है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड
को जो है वो इस तरीके के ये अपीयर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी सेल्स में कुछ स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की मेनली इनकी बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली ये अरेंज होते हैं फ्लैजेला। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो पिक्चर में, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें फ्लैजेला की जो है वो प्रेजेंस है। ठीक है, ये तो यूग्लिना का एग्जांपल है जो हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे, ये इसका पिक्चर है। ठीक है, इसके बाद रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये शो करते हैं, ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी इस पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखो यहाँ पर लिख रखा है कि जो ये डायनोफ्लैजेलेट्स हैं ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं जिसके वजह से ये रेड टाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये रेड टाइड्स क्या है, क्या होता है, मान लो कोई इसका ऑर्गेनिज्म है वो ओशीन में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। रेड कलर से ही बना रही हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेड कलर का एरिया दिखेगा, इसी को ये रेड टाइड्स बोल रहे हैं। ये जो रेड टाइड हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है। रेड टाइड्स में जो ऑर्गेनिज्म रेड टाइड्स बनाते हैं वो क्या करते हैं, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से मैराइन एनिमल और जो फिश है वो मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, क्योंकि उस टॉक्सिन की वजह से। टॉक्सिन का नाम आप नोट कर लीजिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, दैट इज सेक्सिटॉक्सिन एक है, टॉक्सिन एक है आपका गोनायो टॉक्सिन। ठीक है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं रेड टाइड्स की जब फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स, जिसमें यूग्लिना कॉमन एग्जाम्पल है, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं। ठीक है, और इनमें इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर मेड अप ऑफ पेलिकल। ठीक है, पेलिकल उसको बोलते हैं हम, और ये बॉडी ड्यू टू दिस प्रोटीन देयर बॉडी इज फ्लेक्सीबल, हैव टू फ्लैजेला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। एक देखेंगे आप छोटा इसका फ्लैजेला है और दूसरा क्या है, लॉन्ग फ्लैजेला है। याद रखना है किसका है, यूग्लिनॉइड के बात कर रहे हैं। अभी हमने डायनोफ्लैजेलेट पढ़ा, उसमें क्या है, उसमें भी ऐसा था कि दो फ्लैजेला थे लेकिन वन शॉर्ट वन लॉन्ग का वहाँ पे प्रोसीजर नहीं था। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज लाइक प्लांट्स। ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना, ये यूग्लिना का पिक्चर है। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, जो दूसरे डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, अपने वहाँ से जो है वो ऑर्गेनिक मैटर लेके अपना फूड जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम से कौन सी डिजीज होती है, थोड़ा याद करो क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेरिंग स्पोर एट द टिप। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होती है प्लाज्मोडियम में जिससे वो रिप्रोड्यूस करता है मेनली। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जो इसके स्पोर्स हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी में इसके स्पोर्स बन रहे हैं, ये बहुत रेजिस्टेंट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए और ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए। डिस्पर्सन ऑफ दिस स्पोर्स अकर्स थ्रू एयर करंट, एयर के फ्लो के साथ ये मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोटोजोआ, लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसमें प्रोटोजोआ में हम देखते हैं कि फोर मेजर ग्रुप्स हैं प्रोटोजोन के। वन इज़ अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो इसमें कॉमन से एग्जांपल अमीबा, नाम से ही पता लग रहा है, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, मॉइस्ट एरिया में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके फीचर्स देखते हैं। अब ये क्या करते हैं, स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है। याद रखना है स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन प्रोटोजोआ अमीबॉइड प्रोटोजोआ में हो रही है। ठीक है, और जो ये जो स्यूडोपोडिया जिनको फाल्स फिट बोलते हैं, ये इनके कैप्चर प्रे को कैप्चर करने के लिए, फूड को कैप्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल अमीबा एंटमीबा एटसेट्रा।
सेकेंड इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में एग्जाम्पल है ट्रिपानोजोमा. द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग या पैरासिटिक. पैरासिटिक मतलब जो और बॉडी के ऊपर रहेंगे और वहाँ से अपना जो फूड है वो गेन करेंगे और उस होस्ट को जो है वो डैमेज भी करेंगे. ठीक है, दे हैव फ्लैजेला. पैरासिटिक होंगे तो पैरासिटिक है तो ऑब्वियसली डैमेज करेंगे होस्ट को, उसकी वजह से होस्ट को क्या होगा, डिजीजेज हो जाएंगी. ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो है एक कॉमन डिजीज है. नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन. सीलिएटेड मतलब बहुत ज़्यादा सीलिया जो है प्रेजेंट होंगे इसमें. ठीक है, पूरी बॉडी में सीलिया होंगे. इसका कॉमन है पैरामीशियम एग्जाम्पल. जैसे ये कोई पैरामीशियम का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो पैरामीशियम की बॉडी कुछ इस तरीके की होती है. उसे पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को हम सीलिया बोलते हैं. पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं, सीलिया बोल रहे हैं. और ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, एक्वाटिक होते हैं ये. ठीक है, मूव करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस सीलिया. थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपने याद रखना है. दे हैव कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, गलेट. एक गलेट ह्यूमन बींग में भी होती है कैविटी, ज़रा सोचिए कहाँ होती है. ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है ये जो मैं अभी ह्यूमन की गलेट की बात कर रही हूँ. ओके, इसके बाद जो सीलिया हैं वो फूड लेने में और वाटर करंट को हटाने में भी हेल्प करते हैं. एग्जांपल प्लाज्मोडियम इसका हो गया. एंड लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन इज स्पोरोजोन्स. ठीक है, स्पोरोजोन्स दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. स्पोर लाइक स्टेज है, इसीलिए इनका नाम भी क्या है, स्पोर पे ही पड़ा है. तो मोस्टली क्या है, ये नोटोरियस होते हैं. जैसे प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया कॉज करता है. ठीक है, प्लाज्मोडियम मैंने अभी बताया आपको कि डिजीज कॉज करता है, दैट इज मलेरिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किंगडम फंजाई को और प्लांटिया एनिमेलिया नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, थैंक यू सो मच.